आमिर खान अभिनीत फिल्म पीके यूं तो उनके नग्न पोस्टर को लेकर रिलीज होने से पहले ही विवाद में आ गई थी, लेकिन बाद में भी विवादों ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। हिंदू संगठनों ने फिल्म को हिंदू धर्म विरोधी कहकर आमिर और फिल्म की टीम पर निशाना साधा ही है। साथ ही अब फिल्म का आतंकवाद से भी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। वेब दुनिया से चर्चा करते हुए हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने फिल्म पीके और आमिर खान पर तीखे प्रहार किए। पीके जैसी फिल्म है, ये बॉलीवुड तो सभी को पता है कि इसका फाइनेंस कहां से होता है, क्योंकि ये सारी बातें खुल करके नहीं आती है। यदि पीके ने 300-400 करोड़ कमाया है तो ये 300-400 करोड़ किसके पास कितना गया है? डायरेक्टर के पास कितना गया, निर्माता के पास कितना गया, आमिर खान को कितना मिला, डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिला, ये पूरा वो जनता के सामने रखी और उसके ऊपर उन्होंने टैक्स कितना वो भरने वाले हैं ये भी जनता को पता होने दीजिए, तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में इसके अंदर कोई भ्रष्टाचार हुआ है या ये पैसा कोई ऐसे सामने आया। क्योंकि कल आप यदि देखेंगे, मेरे अभी मोबाइल में है, पीके का थिएटर जो है पूरा खाली है, एक भी व्यक्ति बैठा हुआ नहीं है, शो चालू है उसका। और कह रहे कि 300 करोड़ 400 करोड़, तो ये कहीं ब्लैक मनी को व्हाइट करने का कोई बात नहीं है इसके अंदर, ये भी कोई इसके अंदर सोच रहा है। अभी 300-400 करोड़ का बिजनेस से हम यदि हट करके बात करना चाहेंगे तो सनी लियोन तो आज नरेंद्र मोदी से ज्यादा पैसा कमाती है, तो क्या इसका अर्थ है उसका वो जो करती है वो समर्थनीय है? अभी तो जैसे ये एंटरटेनमेंट आ गई या हैप्पी न्यू ईयर आ गई, क्रिटिक्स का तो उसको जीरो मार्क था, फिर भी उन्होंने 200-250 करोड़ कमा लिए। तो ये तो बात होती है कि जो फैन फॉलोइंग है उसको आज कोई भी चीज एंटरटेनमेंट के रूप में चाहिए, तो एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के रूप में देखा जाता है। लेकिन वास्तव में उस फिल्म से जो संदेशा दिया जाता है वो निश्चित रूप से हिंदुओं के विरोध में है, क्योंकि जिस तरीके से आज आपने देखा कि चार्ली हेब्दो को जहां पर प्रोफेट के बारे में कुछ कहा गया, कुछ वो अभी तो कुछ भी नहीं था, अभी तो बगदादी का, बगदादी उनका प्रोफेट नहीं है, उसका चित्र निकालने के ऊपर 12 लोगों की हत्या की जाती है। हिंदू समाज तो सहिष्णु है, हिंदू समाज तो शांति से चलने वाला है, तो बस उनके भगवानों को दिखा दो आप ऐसे, इसमें आपको संदेशा ही देना है। तो हम इस चीज को कोई हिंदू ये नकारता नहीं है कि भाई ऐसी गड़बड़ियां कोई धार्मिक स्तर पर नहीं हो रही है, लेकिन उसके अंदर की कुछ जो डायलॉग्स है विशेष रूप से कि यदि भगवान खुद सुनता है तो मूर्ति की आवश्यकता क्या है, इसका संबंध इस्लाम के मूर्ति पूजा के विरोध से भी लगाया जाता है, क्योंकि उन्होंने तो बुद्ध शिकन बने हुए थे, मूर्तियां तोड़ी है, हमारे मंदिर तोड़े हैं, ये इतिहास है। तो ये आमिर खान सॉफ्ट लैंग्वेज में यही कह रहा है, इस्लाम की बात कर रहा है, इस्लाम की बात कर रहा है वो। दूसरी बात यह है कि इस फिल्म के अंदर जो वो संदेश देता है कि पाकिस्तानियों को बुरा समझा जाता है, पाकिस्तानी तो बहुत अच्छे लोग हैं इसमें, मेरा कहना यह है भाई पाकिस्तानी इतने अच्छे हैं, तो एक कॉन्सुलेट जो उसके अंदर दिखाती है कि एक जो हीरोइन है उसका कॉल वो एक्टर के पास पहुंचा देती है, सरफराज के पास पहुंचा देती है, तो वो दाऊद का पता क्यों नहीं देती है हमारे देश को? दाऊद तो गुनहगार है, सबको पता है, इंटरनेशनल वो स्मगलर है ये भी सबको पता है, अमेरिका ने उसके ऊपर इनाम लगा दिया है, तो यही कॉन्सुलेट उसका पता देने का काम क्यों नहीं करती है? तीसरा है कि एक्ट्रेस रहती है बेल्जियम में, तो बेल्जियम में पाकिस्तानी ही क्यों चाहिए उनको? वहां पर बेल्जियम का कोई होना चाहिए था, नॉर्वे का होना चाहिए था, इंग्लिश मैन कोई होना चाहिए था, लेकिन ये जो अननेचुरल चीजों को लाकर के उन्होंने जो प्रयास किया है, आज जो पाकिस्तान जिस भाषा की बात कर रहा है, ये लखवी की बात हो, हाफिज सईद की बात हो, या हर एक सबको पता है कि टेररिज्म कहां से फैल रहा है, और ये जो ये मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं, वहां पर एक था टाइगर तो पाकिस्तान में नहीं चली, बॉम्बे तो पाकिस्तान में नहीं चली, तो जब वहां पर हिंदुस्तान के प्रो कंटेंट होता है तो वहां नहीं चलता है। ये पाकिस्तान प्रो कंटेंट इसलिए डाला गया क्योंकि उसका बिजनेस बढ़ा है इसमें, पाकिस्तान का बिजनेस बढ़ा है डेफिनेटली, ये तो ग्लोबल बिजनेस है उनका जो 300-400 करोड़ कर रहे हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी ने जो इसके अंदर जो आरोप लगाया है, ARY जो कंपनी इनका विदेश में मार्केटिंग करने वाली है, इस कंपनी का नाम तो खुद पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर डॉन ने परसों प्रिंट किया है कि अलकायदा का मेन फाइनेंसिंग जो ग्रुप है वो ARY ग्रुप है, अब्दुल रजाक ग्रुप है। तो
जो एयरवाई ग्रुप टेररिस्ट को फंडिंग करता है वो यदि पीके की मार्केटिंग को कर रहा है तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए।